रोहित को जिम जाना बहुत अच्छा लगता था। वो सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करता था और दिन में 10 लीटर दूध पीता, दिन में 20 अंडे खाता और पौष्टिक आहार भी करता। और उसका एक ही सपना था कि वो मिस्टर इंडिया बने और सब उसको पहचानने लगे। और उसका कोच सुरेश उसको हमेशा गाइड करता था, रोहित डंबल्स को ऐसे पकड़ो, इससे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और यही सही तरीका है एक्सरसाइज करने का। और सुरेश बहुत ही लालची था, पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। एक बार एक सेल्समैन ने उसे एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा दिया और बोला कि इस पाउडर को अपने जिम में आने वालों को बेचो, तुमको 20% कमीशन भी मिलेगा। पर इस प्रोटीन पाउडर से तो एक बंदा मर गया था पिछले महीने, तो तुम ये पाउडर क्यों बेच रहे हो? अरे इस पाउडर को कोई खा के नहीं मरा, ये तो अफवाह थी। अच्छा सुनो, तुम 30% कमीशन रख लो ठीक, लेकिन ये प्रोटीन पाउडर जरूर बेचना। तब सुरेश को लगा कि ये 30% का सौदा तो बहुत अच्छा है, तो उसने उस सेल्समैन से वो प्रोटीन पाउडर ले लिया। अरे रोहित भाई कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे सर जी क्या लाए हो आप मेरे लिए? प्रोटीन पाउडर, अभी इस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत अच्छा है, ये तुम्हें मिस्टर इंडिया जरूर बना देगा, इसे यूज करो। बहुत बढ़िया सर, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना सर? क्योंकि मुझे दवाई से रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। अरे नहीं नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है यार। अच्छा सर, तो रोहित ने उससे वो प्रोटीन पाउडर लिया और सर को पैसे दे दिए। फिर रोहित घर गया और उसने घर पे जाके वो पाउडर खाया। उसका सर भारी होने लगा, वो वर्कआउट करके थक चुका था, तो वो अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर आधी रात में रोहित का सर दर्द होने लगा, फिर वो घबरा के उठ गया। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है यार, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, दवाई खा लेता हूं। हाँ अरे मैं शीशे में नजर क्यों नहीं आ रहा, मेरे हाथ में जो गिलास है वो तो हवा में उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? लगता है मैं अभी भी नींद में हूं। अरे ये मेरे पलंग में कौन लेटा है? पर ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, उसने तो मेरे ही कपड़े पहने हैं, ये हो क्या रहा है? ये तो मैं हूं, अगर ये मैं हूं तो मैं कौन हूं? ये तो मर गया है, मतलब मैं भी मर गया हूं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मिस्टर इंडिया बिना बने नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। और फिर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। मुझे इसका रिएक्शन हुआ है, पर सुरेश ने तो बोला था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसने मुझसे झूठ बोला, कुछ चंद पैसों के लिए उसने मेरी जान ले ली, मेरा परिवार, मेरे सपने सब टूट गए। सुरेश मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर रोहित सुरेश के घर की तरफ बढ़ा। रोहित सुरेश को उसके घर में ढूंढने लगा, तभी उसे पाउडर के वहां और डब्बे दिखे और साथ में बिल भी रखा था। फिर रोहित को सारा किस्सा समझ आ गया, तब वो उसमें से एक डब्बा लेकर सुरेश के कमरे में गया। ये कम्बख्त तुझे मार के यहां सोया हुआ है? फिर सुरेश शोल्डर बैक पुल डाउन मशीन पर एक्सरसाइज करने लगा। तब थोड़ी सी आवाज होने लगी, इससे सुरेश आंख मलता हुआ उठ गया। अरे ये मशीन अपने आप कैसे चल रही है, इस पे तो कोई भी नहीं है। सुरेश सर सबको सुला के उठ गए। कौन है वहां? सर आपका मिस्टर इंडिया,
आपने तो मुझे सच में मिस्टर इंडिया बना दिया। अब मैं किसी को नजर नहीं आता हूं। कौन है? रोहित? फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा हो गया। तभी फिर अचानक वो प्रोटीन पाउडर का डब्बा सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो रोहित? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सर डरो नहीं, मैं आपको 90% कमीशन दूंगा। ये बोलकर रोहित ने सुरेश के मुंह पर सारा डब्बा खाली कर दिया। उसके बाद बाजू में पड़ा वो डंबल उठाया। सर आपने मुझे सही तरीका बताया था डंबल उठाने का। अरे अरे सर, ये डंबल संभल नहीं रहे मेरे से।